हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रेडर्स के लिए हेल्पफुल ऐसा एक टूल नेस्ट ट्रेडिंग टर्मिनल। नेस्ट ट्रेडर टर्मिनल जो है उसका हम लोग लाइव मार्केट में डेमो देखेंगे। डेमो में हम कवर करेंगे कि उसमें वॉचलिस्ट कैसे ऐड कर डाउनलोड कैसे करना है, पहले तो डाउनलोड कैसे करना है फ्री में, और उसके बाद उसको इंस्टॉल करके उसमें वॉचलिस्ट कैसे ऐड करना है, स्क्रिप्ट कैसे ऐड करना है, ऑर्डर प्लेसमेंट कैसे करना है, चार्ट सेटिंग्स कैसे करना है और अदर सेटिंग्स कैसे करना है और अदर जो फीचर्स है इस प्लेटफॉर्म के हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो जो है थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट जो है आपके पास टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो आपको जो है अगर ये प्लेटफॉर्म डाउनलोड करना है नेस्ट ट्रेडिंग टर्मिनल, तो प्रॉफिट मार्ट के वेबसाइट पर आपको जाना है। प्रॉफिट मार्ट के वेबसाइट पर जाने के बाद आपको डाउनलोड में आपको ये ऑप्शन जो है डाउनलोड करने का, प्लेटफॉर्म टर्मिनल डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में। 32 बिट और 64 बिट आपके सिस्टम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको जो है डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। जो मैंने पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। ओके, तो इस टर्मिनल का जो बेनिफिट है, आपको लाइव मार्केट में डेटा फ्लक्चुएट होते रहता है जो भी एक्सचेंज की तरफ से आता है, तो मैं प्रॉफिट मार्ट का जो टर्मिनल नेस्ट ट्रेडर टर्मिनल है डाउनलोड करके अभी ओपन कर रहा हूँ। टर्मिनल जो है ओपन हो गया है, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक वॉच लिस्ट क्रिएट करके उसमें स्क्रिप्ट ऐड किया, इसलिए यहाँ पे शो कर रहा है यूज़र लॉगिन सक्सेसफुली। ओके, अगर मुझे आप जब फ्रेश लॉगिन करते हो तो यहाँ पे पूरा ब्लैंक दिखाई देता है, तो आपको लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर यहाँ पे प्लस का ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करके आप वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। मैं 1 2 3 4 डाल के इंटर करता हूँ तो ये जो है नया वॉच लिस्ट ऐड हो गया है। यहाँ पे देख सकते हो आप ऊपर स्क्रिप्ट बार का ऑप्शन है, यहाँ से आप स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हो। डाउन एरो के ऊपर क्लिक करके कौन सा सेगमेंट में आपको स्क्रिप्ट ऐड करना है, लाइक मुझे NSE कैश में, इक्विटी में, अगर मुझे शेयर्स ऐड करना है तो यहाँ पे लाइक मुझे रिलायंस का शेयर ऐड करना है तो रिलायंस डाल के इंटर करूँगा। सेम अगर मुझे कुछ टाटा मोटर्स का ऐड करना है तो टाटा मोटर्स डाल के इंटर करता हूँ तो ऐड हो जाता है वन बाय वन। ये हो गया इक्विटी कैसे ऐड करना है। इसके बाद हम देखेंगे कि फ्यूचर्स और ऑप्शंस में अगर मुझे स्क्रिप्ट ऐड करना है तो NFO के ऊपर सिलेक्ट करके फ्यूचर इंडेक्स का ऑप्शन है यहाँ पे। फ्यूचर इंडेक्स मतलब इंडेक्स के फ्यूचर बैंक निफ्टी हो गया या फिर निफ्टी हो गया जो है करंट एक्सपायरी के हिसाब से। एक्सपायरी सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन है आपको एक्सपायरी सिलेक्ट करने का कौन सा एक्सपायरी, और इंटर करने के बाद ये ऐड हो जाता है। इंडेक्स फ्यूचर के नीचे है फ्यूचर स्टॉक मतलब स्टॉक के फ्यूचर, अगर मुझे रिलायंस का फ्यूचर ऐड करना है या फिर मुझे टाटा मोटर्स का जो है टाटा मोटर्स फ्यूचर्स ऐड करना है तो फ्यूचर्स जो है ऐड हो जाता है। ये हो गया फ्यूचर्स कैसे ऐड करना है। अगर मुझे इंडेक्स ऑप्शंस ऐड करना है, अगर मुझे निफ्टी का निफ्टी 15,600 का कॉल ऐड करना है तो 15,600 यहाँ पे सी है, मुझे पुट ऐड करना है तो पी ऐड करके लाइक मुझे 15,700 का पुट ऐड करना है तो ऐसे ऐड कर सकता हूँ। ये जो है कॉल पुट कैसे ऐड करना है इंडेक्स के लिए, सेम स्टॉक ऑप्शंस के लिए। ऑप्शंस के लिए अगर मुझे रिलायंस का कुछ कॉल ऐड करना है 2200 का तो 2200 और इंटर करता हूँ तो ये कॉल ऐड हो जाता है। सेम पुट के लिए भी आपको पी सिलेक्ट करके इंटर करना है तो कॉल और पुट इंडेक्स ऐड हो गए, इंडेक्स के ऐड हो गए, स्टॉक्स के भी ऐड हो गए। तो हम देखेंगे उसमें मुझे कुछ करेंसी में ऐड करना है तो सी डी एस सिलेक्ट करके मुझे अगर यहाँ पे USD INR ऐड करना है तो USD INR, और यहाँ पे एक्सपायरी है, एक्सपायरी वाइज आप ऐड कर सकते हो। ये हो गया करेंसी के लिए। MCX में मुझे कुछ ऐड करना है स्क्रिप्ट, तो मैं MCX सिलेक्ट करके यहाँ पे फ्यूचर कमोडिटी फुटकॉम के ऊपर सिलेक्ट करके लाइक मुझे गोल्ड ऐड करना है तो गोल्ड पर इंटर करता हूँ, मुझे सिल्वर ऐड करना है तो सिल्वर, ऐसे ऐप वन बाय वन ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया स्क्रिप्ट कैसे ऐड करना है। स्क्रिप्ट ऐड होने के बाद अगर आपको इस स्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट के डिटेल्स चेक करने हैं तो लाइक मुझे अगर रिलायंस में रिलायंस के मार्केट डेप्थ चेक करना है तो मैं F6 प्रेस करूँगा तो इसका मार्केट डेप्थ ओपन हो जाता है, जिसमें मतलब ओपन हाई लो क्लोज अपर सर्किट लोअर सर्किट 52 वीक हाई 52 वीक लो पूरा डिटेल्स दिया गया हुआ है। ये जो है मार्केट डेप्थ है, अगर देख सकते हो यहाँ पे कुछ इंडेक्स ऐड नहीं है। अगर मुझे इंडेक्स यहाँ पे ऐड करना है तो मैं Ctrl+I प्रेस करता हूँ तो इंडेक्स ऐड हो जाता है। अगर मुझे इसमें कुछ रिमूव इंडेक्स में कुछ मतलब मुझे कुछ रिमूव करना है लाइक मुझे निफ्टी सेंसेक्स इंडिया वीक्स ऐड करना है या रिमूव करना है तो मैं ऐड करने के लिए जो है राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद शो इंडेक्सेस डायलॉग का ऑप्शन है, इसमें
अगर मुझे कुछ निफ्टी फार्मा ऐड करना है तो उसके ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक करके ऐड टू डायलॉग बार, तो यहाँ पे निफ्टी फार्मा ऐड हो गया है। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जितने चाहिए इंडेक्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगर मुझे निफ्टी FMCG ऐड करना है तो निफ्टी FMCG ऐड टू डायलॉग बार, तो यहाँ पे ऐड हो जाता है, देख सकते हो आप यहाँ पे ऐड हो गया है। अगर मुझे रिमूव करना है तो मैं निफ्टी फार्मा के ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक करके रिमूव इंडेक्स करता हूँ तो रिमूव हो जाता है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है रिमूव और ऐड और रिमूव करना, ये हो गया। अगर मुझे इंडेक्स ऐड कैसे करना है, अगर मुझे स्क्रिप्ट का, अगर मुझे चार्ट ओपन कैसे कर, कोई कोई लोग पता है कि चार्ट ओपन नहीं होता है, तो मैं Shift+P प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा जो है चार्ट ओपन हो जाता है। आप देख सकते हो चार्ट यहाँ पे ओपन हो गया है। अगर मुझे इस चार्ट में कुछ सेटिंग करना है तो मैं चार्ट को लाइक मुझे अगर राइट क्लिक करूंगा, तो राइट क्लिक करने के बाद मुझे इस वॉल्यूम का पैनल रिमूव करना है। पहले तो वॉल्यूम का पैनल रिमूव कर दिया क्योंकि थोड़ा सा प्रॉपर शो होने के लिए। ओके, ये हो गया चार्ट। उसमें अगर मुझे टाइम इंटरवल जो है कैंडल का मुझे चेंज करना है, 1 मिनट का मुझे 5 मिनट करना, तो 5 मिनट हो गया। ओके, तो अगर मुझे इसमें कुछ इंडिकेटर्स ऐड करना है, ओके, तो इंडिकेटर ऐड करने के लिए अगर मुझे मूविंग एवरेज ऐड करना है तो मूविंग एवरेज के ऊपर क्लिक करके एक्सपोनेंशियल है यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल सिंपल जो चाहिए 50 डे EMA में ऐड कर रहा हूँ। आपको कौन से कलर का लाइन चाहिए उसके हिसाब से आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, हो गया है। मूविंग एवरेज कैसे ऐड करना है, अगर मुझे MACD ऐड करना है तो आपको जो चाहिए वो इंडिकेटर जो है आप यहाँ पे ऐड करके रख सकते हो, देख सकते हो ऐड हो गया है। अगर मुझे इसमें इंडिकेटर रिमूव करना है तो मैं राइट क्लिक करके, लास्ट वाला ऑप्शन है रिमूव इंडिकेटर, अगर मुझे MACD रिमूव करना है तो मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। ठीक है, अगर मुझे इस चार्ट में कुछ ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ करना है, टूल्स यूज़ करना है, तो मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे देखो स्टडी लाइन का ऑप्शन है, स्टडी लाइन्स के ऊपर क्लिक करने के बाद ट्रेंड लाइन का ऑप्शन है, तो ट्रेंड लाइन में जाके यहाँ से मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं ट्रेंड लाइन जो है ड्रॉ कर सकता हूँ। बहुत ही, अगर मुझे रिमूव करना है तो मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे ऑप्शन है रिमूव ऑल सिंबल्स, रिमूव ऑल सिंबल्स होने के बाद ये रिमूव हो जाएगा। अगर मुझे इस चार्ट का डेटा अगर एक्सपोर्ट करना है, मुझे इस 5 मिनट का कैंडल का अगर डेटा एक्सपोर्ट करना है, तो मैं राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है डेटा टेबल में जाता हूँ, तो यहाँ पे 5 मिनट कैंडल्स का ओपन हाई लो क्लोज पूरा डिटेल्स में दिया गया हुआ है, क्लोजिंग प्राइस वॉल्यूम कितना है। अगर आपको कुछ स्टडी बैक टेस्ट करना है अगर अगर तो बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके राइट टू एक्सेल करके आपको जो है ये फाइल आपको जो जो चाहिए वो फोल्डर में सेव कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया चार्ट डेटा कैसे एक्सपोर्ट करना है। और मुझे फिर से अगर इसको Shift+P रिमूव करना है तो कट कर दूंगा यहाँ से। अगर मुझे ऑर्डर प्लेसमेंट करना है तो ऑर्डर प्लेसमेंट कैसे करना है हम देखेंगे। तो रिलायंस का अगर मुझे नॉर्मल में बाय करना है तो F1 और F2 नॉर्मल ऑर्डर के लिए है। ओके, तो F1 प्रेस करके मैं अगर MIS में बाय करना है तो लिमिट की जगह पे मार्केट में करना है तो मार्केट करूँगा, CNC की जगह पे MIS सिलेक्ट करके यहाँ पे मेरा क्लाइंट कोड आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है मैं इंटर करता हूँ, तो ये जो आप F3 प्रेस करके चेक कर सकते हो कि यहाँ पे मेरा ऑर्डर जो है कंप्लीटेड हो गया है। कंप्लीट F3 में आपको ऑर्डर बुक दिखेगा और F8 में आपका ट्रेड बुक दिखेगा। तो ट्रेड बुक मार्केट रेट से किया है इसलिए कितने पे कितने क्वांटिटी, एक क्वांटिटी है 228.15 पैसे पे ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो गया है। अगर मुझे पोजीशन चेक करना है तो मैं F11 प्रेस करूँगा। F11 प्रेस करने के बाद यहाँ पे मेरे मास्टर टर्मिनल, यहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट आपको शो करेंगे, तो मेरा जो है यहाँ पे ऑर्डर जो देख सकते हो आप रिलायंस का एक क्वांटिटी मार्क टू मार्केट लॉस में है ₹2.45 पे। ठीक है, ये हो गया स्क्रिप्ट ऑर्डर प्लेसमेंट कैसे करना है। आप सेम F11 से जो है पोजीशन के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे स्क्वेयर अप का ऑप्शन है, स्क्वेयर अप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं स्क्वेयर अप के ऊपर क्लिक करके आर यू वॉन्ट टू स्क्वेयर अप, यस यस करके बाद ओके, तो गेट पोजिशन करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा कोई पोजीशन जो है ओपन नहीं है। आप देख सकते हो ₹4.90 का लॉस हो गया है। ठीक है, ये हो गया ऑर्डर नॉर्मल प्लेस कैसे करना है। अगर मुझे सेम अगर मुझे कुछ डिलीवरी के लिए बाय करना है, कैरी फॉरवर्ड के लिए, तो F1 प्रेस करके लिमिट में चाहिए तो लिमिट यहाँ पे कैसे सिलेक्ट करना है। लाइक मुझे ₹2,210 आने पर बाय करना है तो CNC डिलीवरी के लिए CNC रहेगा और यहाँ पर मेरा क्लाइंट आईडी रहेगा, मैं
इंटर करता हूँ तो मैं F3 प्रेस करने के बाद देख सकता हूँ कि यहाँ पे मेरा जो ऑर्डर जो है पेंडिंग में है, ओपन में है, क्योंकि अभी तक वो रेट आया नहीं। जैसे ही वो रेट आ जाता है मेरा ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो जाता है। तो मैं इसे कैंसिल कर सकता हूँ और मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन है कैंसिल और मॉडिफाई का, तो मैं कैंसिल कर रहा हूँ इसे। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल ऑर्डर कैसे प्लेस करना है। अगर मुझे कुछ कवर ऑर्डर प्लेस करना है तो मैं शिफ्ट प्लस F1 प्रेस करूँगा। कवर ऑर्डर का फैसिलिटी ये है कि आप बाय या सेल के साथ साथ स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। तो ये जो है लिमिट ऑर्डर, लाइक मुझे मार्केट रेट से बाय करना है और मेरा क्लाइंट आईडी जो है यहाँ पे, और मेरा स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे मुझे प्राइस में मेंशन करना है, मुझे 2220। ओके, और मैं इंटर करता हूँ तो ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो गया है, देख सकते हो। यहाँ पे और मेरा स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे पेंडिंग में है। ठीक है, F8 ट्रेस करके चेक कर सकता हूँ मैं कि 2275 पे ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो गया है, और F3 में मेरा ट्रिगर पेंडिंग है 2220 पे। ठीक है, सेम आप F11 प्रेस करके चेक कर सकते हो आपका प्रॉफिट और लॉस कितना हो रहा है, पोजिशन कौन सा ओपन है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो कि 1.90 रुपीज़ प्रॉफिट में है। अगर मुझे इसको एग्जिट करना है तो मैं यहाँ से स्क्वेयर अप नहीं कर सकता, क्योंकि जो है ये मल्टीपल ऑर्डर टाइप है, ब्रैकेट ऑर्डर और कवर ऑर्डर, तो यहाँ से स्क्वेयर अप नहीं होगा। आपको आपका टारगेट और स्टॉप लॉस जो भी रहेगा उसको मॉडिफाई एग्जिट करना है, तभी जाके वो एग्जिट होगा। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ से एग्जिट करता हूँ तो ये जो मार्केट रेट से एग्जिट हो जाता है। आप F11 प्रेस करके चेक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा पोजीशन कोई ओपन नेट क्वांटिटी जो है मेरा 0-0 शो कर रहा है। ठीक है, ये हो गया कवर ऑर्डर कैसे प्लेस करना है। अगर कवर ऑर्डर लिमिट ऑर्डर, अगर मुझे ब्रैकेट ऑर्डर प्लेस करना है तो मैं शिफ्ट प्लस F3 प्लेस करूंगा। यहाँ पे ब्रैकेट ऑर्डर में मुझे टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों एक ही साथ लगाने का ऑप्शन रहता है। तो यहाँ पे क्वांटिटी 1 रहेगा, लिमिट या फिर SL, मुझे लिमिट मतलब मार्केट से ये करना है या नीचे रेट से करना है, तो लिमिट ऑर्डर सिलेक्ट करके ऑर्डर प्लेस करूंगा। मुझे अगर ऊपर के रेट में अगर ऑर्डर लेना है तो मैं यहाँ पे SL बाय करना है, तो SL कैसे ऑर्डर प्लेसमेंट करना है। नॉर्मली ऊपर आई लिंक के ऊपर क्लिक करके आप मोबाइल प्लेटफॉर्म का डेमो चेक कर सकते हो, जिसमें पूरा डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मार्केट रेट से जो है लाइक 2225 रुपीज़ पे मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ, 226 पे प्लेस करता हूँ। क्लाइंट आईडी यहाँ पे मुझे एब्सोल्यूट क्लिक करना है। एब्सोल्यूट क्लिक करने के बाद कितने पॉइंट्स का मुझे टारगेट और स्टॉप लॉस चाहिए। अगर मुझे 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 5 पॉइंट का टारगेट चाहिए तो मैं यहाँ पे 5-5 प्रेस करके सबमिट करता हूँ, तो ऑर्डर जो है पेंडिंग ओपन रहेगा, क्योंकि वो रेट जो है थोड़ा ऊपर चला गया है। और मैं थोड़ा ऊपर का रेट डाल के इंटर करता हूँ तो जो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है मार्केट से। ठीक है, तो एग्जीक्यूट हो गया, आप देख सकते हो F3 प्रेस करके 2228 बताया, क्योंकि मैंने वही रेट डाला था। आप F8 प्रेस करके चेक कर सकते हो कौन से रेट पे एग्जीक्यूट हो गया, कि 227.10 पैसे पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है। सेम F11 प्रेस करके आप देख सकते हो उसमें कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है। तो यहाँ पे दिखता है आपको ब्रैकेट ऑर्डर है 80 पैसे प्रॉफिट है, 1 क्वांटिटी ओपन है। ठीक है, अगर मुझे इस ऑर्डर को बीच में से ही एग्जिट करना है या फिर टारगेट या फिर स्टॉप लॉस मुझे मॉडिफाई करना है, तो सेम F3 प्रेस करके मैं ऑर्डर बुक में जाके यहाँ से मुझे अगर 3232 इसका टारगेट है, अगर मुझे इसको बढ़ाना है या कम करना है, लाइक 2230 मुझे कम करना है तो कम करके यहाँ पे रख सकता हूँ। आप देख सकते हो 2230 पे मेरा ऑर्डर जो है टारगेट जो है हिट हो गया है। आप देख सकते हो F8 प्लेस करके, तो यहाँ पे 2230 मेरा टारगेट एग्जीक्यूट हो गया है। तो F11 प्रेस करता हूँ तो मेरा नेट क्वांटिटी 0 बताता है, 2.90 रुपीज़। 2.90 रुपीज़ यहाँ पे प्रॉफिट हो गया है मुझे ब्रैकेट ऑर्डर में। तो देख सकते हो यहाँ पे कोई पोजीशन ओपन नहीं है। ये हो गया ऑर्डर प्लेसमेंट कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। ऑर्डर प्लेसमेंट जो करते हो तो नीचे यहाँ पे जो है स्टेटस बार, मैसेज बार है, आप उसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो, क्योंकि जो भी आप ऑर्डर प्लेसमेंट करोगे तो यहाँ पे आपको अपडेट मिलते रहेंगे। ये हो गया, उसके बाजू में ऑर्डर्स और ट्रेड्स के रिलेटेड ही सिर्फ मैसेज मिलेंगे आपको। उसके नीचे है रिसर्च टीम के तरफ से जो भी मैसेज आएंगे, लाइक रिसर्च टीम के तरफ से देख सकते हो थोड़ा सा नीचे जाके कि यहाँ पे कौन से ऑर्डर से कुछ रिसर्च का कॉल रहेगा। एक्सचेंज के तरफ से कुछ मैसेज है तो यहाँ पे चेक कर सकते हो आप। ठीक है, ये हो गया, इसको आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिट कर सकते हो।
ये हो गया ऑर्डर प्लेसमेंट कैसे करना है। अदर फीचर्स से इसमें अगर मुझे कुछ F3 मुझे अगर मेरा ट्रेड बुक जो है ऑर्डर बुक जो है मुझे इसका बैकअप चाहिए तो मैं इसको भी बैकअप ले सकता हूँ मेरे सेफर साइट के लिए। तो मैं राइट क्लिक नीचे जो ऑर्डर से एग्जीक्यूटेड पेंडिंग कैंसिल रिजेक्टेड तो उसके ऊपर क्लिक करके मैं यहाँ पे राइट टू एक्सेल करूँगा तो जो मेरा ऑर्डर बुक जो है बैकअप हो जाएगा पर्टिकुलर डे के लिए मैं सेफर साइट के लिए। और मैं F8 प्रेस करके ट्रेड बुक भी मेरा राइट क्लिक करके राइट टू एक्सेल कर सकता हूँ, मैं सेव कर सकता हूँ, मतलब मेरा एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, मेरा डेटा जो सेव कर सकता हूँ पर्टिकुलर डे के लिए। अगर मुझे कुछ पोजीशन कन्वर्ट करना है तो आप F11 से भी इसका कन्वर्ट कर सकते हो। अगर ये पोजीशन जो है मुझे कन्वर्ट करना है पोजीशन यहाँ पे पोजीशन के ऊपर क्लिक करके पोजीशन कन्वर्ट के ऊपर क्लिक करके नॉर्मल का MIS और MIS का नॉर्मल उन कन्वर्ट कर सकते हो। या फिर आप F8 और ट्रेड बुक में जो भी पोजीशन है आपका MIS का उसके ऊपर क्लिक करके पोजीशन कन्वर्ट का ऑप्शन है। तो यहाँ पे MIS लिया है इसलिए यहाँ पे CNC बता रहा है, CNC लेते हो तो यहाँ पे MIS का डायरेक्टली ऑप्शन बताता है और कन्वर्ट का ऑप्शन है, कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत ही इजी एप्लीकेशन है यूज़ करने के लिए, बहुत ही बहुत ही यूज़फुल है ट्रेडर्स के लिए। जो बड़े बड़े ट्रेडर्स से ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं उनको मैं सजेस्ट करूँगा, उनके लिए अलग बेनिफिट्स भी। अगर आप बड़े ट्रेडर हो और मार्केट में अगर सडन पैनिक सडन फॉल आ जाता है तो मुझे यहाँ पे जो भी मेरा पोजिशन है मैं कंट्रोल ए करके यहाँ पे स्क्वेयर अप कर सकता हूँ। 100% पोजिशन है यहाँ पे। ऑल ऑल ऑप्शंस ऑप्शंस ऑप्शन है यहाँ पे, ऑल चाहिए लॉन्ग लॉन्ग वाला पोजीशन स्क्वेयर अप करना है या शॉर्ट वाला पोजीशन स्क्वेयर अप करना है, 100% करना है या 50% पोजीशन स्क्वेयर अप करना है, यहाँ पे ऑप्शन है। तो स्क्वेयर अप करता हूँ तो पूरा स्क्वेयर अप हो जाएगा, ठीक है। ऑल ये बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। अगर मतलब सडनली कुछ आपके आपके पोजीशन के अपोजिट अगर मार्केट जाने लगता है तो आप मतलब एट ए टाइम पे ऑल क्वांटिटी सिंगल क्लिक के ऊपर पोजीशन स्क्वेयर अप कर सकते हो, ठीक है। अभी देखेंगे इसके फीचर्स मेनू बार में। तो यहाँ पे जो है टूल्स में जाते हो तो यहाँ पे आप अलर्ट सेट कर सकते हो। अगर मुझे रिलायंस का जो है रिलायंस का जो शेयर्स है उसको उसके लिए कुछ अलर्ट सेट करना है तो मैं रिलायंस, ठीक है, तो इसमें कौन सा कंडीशंस आपको चाहिए। अगर मुझे लास्ट ट्रेडेड प्राइस मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो रहेगा इसका ग्रेटर देन और इक्वल टू 2231 के ऊपर जाता है तो मुझे अलर्ट आना चाहिए, ईमेल आना चाहिए या SMS आना चाहिए। यहाँ पे आप डाल सकते हो आपका मेल आईडी, ठीक है, और यहाँ पे मोबाइल नंबर और अलर्ट सेट करते हो तो जैसे ही वो पर्टिकुलर रेट आ जाएगा, शायद से पहले से ही ज़्यादा रेट है, हाँ ऑर्डर अलर्ट जो है प्रे अलर्ट मतलब ओपन है कि क्लोज है आप चेक कर सकते हो अलर्ट लिस्ट में जाके, तो अलर्ट जो है ट्रिगर्ड हो गया। हम थोड़ा सा ऊपर का अलर्ट लगा सकते हैं यहाँ पे, मुझे टूल्स में जाके सेट अलर्ट टूल्स में सेट अलर्ट्स करना है और यहाँ पे सिक्योरिटी सेम आप ऊपर नीचे, तो आपको यहाँ पे भी पॉपअप आ जाता है, आपको मेल भी आ जाएगा और आपको SMS भी आ जाएगा। बहुत ही मतलब कभी कभी क्या होता है आपका ब्रोकर का प्लेटफॉर्म जो है प्रॉपरली टाइम पे मोबाइल एप्लीकेशन का अलर्ट जो है टाइम पे मिलता नहीं है आपको, तो आप ये प्लेटफॉर्म यूज़ करो आपको टाइम टू टाइम जो है अलर्ट मिलते रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेटर का ऑप्शन है, डॉलर टू रुपी कन्वर्टर और ऑप्शन कैलकुलेटर, ऑप्शंस ट्रेडर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल ऐसे टूल जहाँ पे मुझे एक्सचेंज कैसे नॉर्मली मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है कैलकुलेशन। कॉल कॉल या पुट का जो डिटेल्स रहेगा ऑप्शंस का कैलकुलेटर कैलकुलेशंस यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। वॉलेटिलिटी यहाँ पे 16 है और मैं कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ पे डेल्टा गामा थेटा वेगा और रोहा यहाँ पे पूरा शो करेगा। ये हो गया ऑप्शंस कैलकुलेटर का ऑप्शन है। मुझे मास्टर टर्मिनल पे यहाँ पे एंटिटी इसका कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। पोजीशन कैसे चेक करना है F11 मैंने बताया शॉर्टकट कीज। RMS बैंड का RMS के लिए बैंड में कौन सा स्क्रिप्ट है कौन से स्टॉक जो है बैंड में है FNO के बैंड में है तो यहाँ पे मुझे चेक कर सकता हूँ। तो यहाँ पे 5 स्क्रिप्ट जो है आज के लिए बैंड में है,
प्रेफरेंस में, अगर मुझे प्रेफरेंस में देखना है क्या है, तो प्रेफरेंस में शॉर्टकट मैनेजर, शॉर्टकट मैनेजर में टर्मिनल का जो भी पूरा शॉर्टकट से यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, तो आपको मतलब गूगल पे सर्च करके, यूट्यूब पे बार बार सर्च करने का ज़रूरत नहीं कि कौन से चीज़ के लिए इसके लिए कौन सा शॉर्टकट है। आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, राइट क्लिक करके इसको आप राइट टू एक्सेल करते हो और डेस्कटॉप या फिर आपको जो चाहिए वहाँ पे शॉर्टकट जो है सेव करके रख सकते हो आपके फ्यूचर यूज़ के लिए। तो मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। यूज़र सेटिंग है, यूज़र सेटिंग मतलब अपीयरेंस कैसे चाहिए मुझे, फॉन्ट साइज़ वगैरह है। बास्केट मैनेजर, बास्केट ऑर्डर का भी फैसिलिटी है इसमें, कैसे करना है बास्केट ऑर्डर मैं आपको कवर करूँगा। इवेंट में आपको हाई हाई जाने पे कौन सा, लो जाने पे कौन सा कलर चाहिए, जनरल सेटिंग, मार्केट वॉच का सेटिंग क्या है, डे टाइम हाई, डे टाइम लो, एक सब है यहाँ पे। ठीक है, तो प्रेफरेंस इसमें अगर टूल बार का, एक टूल बार जो है इसका सेटिंग्स है, मैसेज बार जैसे नीचे मैंने बताया, मैसेज बार और अपना स्टेटस बार कर सकते हो चेंजेस। सिक्योर यूआरएल में आप पेन पेन भी कर सकते हो। आप यहाँ पे पेन के ऊपर क्लिक करके आपका पेन का लिंक ओपन हो जाएगा, और पे आउट के ऊपर क्लिक करके बाद पे आउट का लिंक जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है, वेब लिंक्स में भी वही है, यूपीआई पेमेंट का ऑप्शन है। एक ट्रेड व्यू ऑर्डर और ट्रेड रिपोर्ट में आपका ट्रेड बुक ऑर्डर बुक नेट पोजिशन जो है उसका डिटेल्स दिया गया हुआ है। ऑर्डर हिस्ट्री है, शिफ्ट F12, ऑर्डर प्लेसमेंट, ऑर्डर्स और ट्रेड्स में आप बास्केट ऑर्डर कैसे प्लेस करना है, तो नॉर्मल बास्केट क्रिएट करके आप यहाँ पे बास्केट में वन बाय वन स्क्रिप्ट ऐड करके नीचे नीचे प्लेस ऑर्डर का ऑप्शन है, मतलब सिंगल टाइम पे आपका ऑल ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा फैसिलिटी है बास्केट ऑर्डर का। मतलब कभी कभी क्या होता है, आपको अगर सेम टाइम पे कॉल या पुट को अगर बाय या सेल करना है, वन बाय वन आप बाय सेल करने तक वो रेट जो है ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसमें मार्केट ऑर्डर सिलेक्ट करके आप ऐड करके ऑर्डर जो है प्लेस कर सकते हो, बास्केट ऑर्डर जो है प्लेस कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। मार्केट्स में आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ इतना यूज़फुल नहीं है। फाइल्स में रिफ्रेश ब्रॉडकास्ट और रिफ्रेश क्लाइंट्स, ठीक है, ये तो बहुत ही हेल्पफुल ऐसा टूल होगा अगर आप इसे यूज़ करते हो तो ज़रूर यूज़ करो। मैं अगर आप बड़े क्वांटिटी में ट्रेडर हो या फिर फुल टाइम ट्रेडर हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ज़रूर यूज़ करो इस। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कुछ क्वेरी रहेगा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।